जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल में, आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल, आप सभी के डिमांड पे जो है आज से रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे होता है मैथ्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट। ये एक फ्री बैच होगा यूट्यूब पर, जहां पर आप जो है बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल का मैथ्स कवर अप कर पाएंगे और आप अपने लेवल को थोड़ा बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि सर एक फाउंडेशन बैच लेकर आइए, जिससे हमारे जो बेसिक्स के मैथ के जो कमजोरियां हैं उसको हम दूर कर सकें और मैथ्स का अपना जो डर है वो हम खत्म कर सकें, तो आपका फाउंडेशन बैच आज से स्टार्ट होता है यूट्यूब पर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बैच उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है और जो कहीं पर किसी का पेड कोर्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मन में एक प्यारी सी इच्छा है एक गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको ये बैच काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपकी पढ़ाई में। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी के बात को हमने ध्यान रखा है और आपकी बात का हमने सम्मान किया है, तो उसी तरीके से आप जो है इस वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज ये पहला दिन है और पहले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट करने का फायदा ये होगा कि कोई अगर वीडियो की पहली पार्ट से ही हमारे साथ जुड़ा है तो उसको काफी बेनिफिट होगा, ना कि दूसरी और तीसरी पार्ट से। तो आप हर जगह पर टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे जो है स्टेटस डाल दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो पढ़ पाए और उनका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज। और परसेंटेज में आज है डे वन। ठीक है, यहाँ पर नंबर वीडियो में डला मिलेगा आपको, उसमें हम कौन से बात करेंगे यहाँ पर, तो बेसिक कंसेप्ट एंड कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, जो आपको परसेंटेज में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। गुड इवनिंग भाई, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, यू समझ लो, ना मुझे परसेंटेज आता है ना आपको आता है, मैं उस तरीके से पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है भाई, चरण स्पर्श सभी को। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो एक बात का ध्यान रखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में परसेंटेज की मान्यता होती है, और अगर आपका परसेंटेज स्ट्रांग है तो आप ऑलमोस्ट अरिथमेटिक के हर चैप्टर में स्ट्रांग अपने आप को बना पाओगे। परसेंटेज जितना बेहतरीन उतना बेहतरीन आपका सभी चैप्टर होगा, उतना बेहतरीन आपका स्कोर होगा। ठीक है, हाँ, जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम आदित्य रंजन है और SSC का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हमने क्रैक नहीं किया हो। ठीक है, SSC CHSL SSC CGL CPO दिल्ली पुलिस हर एग्जाम मैंने क्रैक कर रखा है। CGL मेंस में जो मेरा स्कोर है वो है 227-200 के अंदर मैथ्स में, और प्री में मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। ठीक है, साथ में मैंने डिफेंस के भी एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, जैसे मैंने CDS को 3 बार क्रैक किया हुआ है, तो आपको एक काफी एक्सपीरियंस भी मिलेगा इस वीडियो से कि हाँ, जब मैं बीच में क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल को आपको पेपर में ऐसे करना था और ऐसे नहीं करना था। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको काफी मदद करेगी आपके अपने पेपर को क्लियर करने में भाई। ठीक है, कमेंट बहुत तेजी में भाग रहे हैं, तो मुश्किल है हर किसी के कमेंट का रिप्लाई कर पाना, तो बड़े तसल्ली से आज जो है हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज टॉपिक जो है वो तो है क्या। ठीक है, चलिए, परसेंटेज वर्ड से मतलब, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत अगर हम हिंदी में बात करें यहां पे, तो प्रतिशत, अब प्रतिशत का मतलब हम समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या हो गया। आप इस वर्ड को देखें तो ये वर्ड खुद आपको अपनी मतलब बताने पे मजबूर कर रहा है, ये कह रहा है देखो मेरा मतलब तो यहीं पर छुपा है, तुम बस मुझे पढ़ नहीं पा रहे। कैसे, तो यहां पर इसको अगर आप तोड़ेंगे, इसको परसेंट या प्रतिशत, आप इसका हिंदी इंग्लिश कोई भी संधि विच्छेद करिए, तो खुद में ये मतलब अपना बता रहा है कि परसेंट में बात हो रही है, यानी प्रति 100 में जो मान होता है किसी भी चीज का, उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी नंबर का अगर पर 100 में मान हम उसका बताएं तो हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि 10 जो है वो कितना परसेंट है, ठीक है, तो 10 100 में कितना वैल्यू रखता है हम ये बताएंगे, तो 10 100 का कितना परसेंट है, 10% है, इस बात को ध्यान रखना है। किसी भी संख्या का परसेंट यानी प्रति 100 में उसका मान बताना हो तो हम क्या बताएंगे, परसेंट बताएंगे। परसेंटेज के बेसिक के दो पार्ट हो गए, दो नियम हो गए और दोनों ध्यान रखना है। सबसे पहला पार्ट ये हो गया कि किसी भी परसेंटेज को हमें किस में बदलना हो, किसी भी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना हो यानी बट्टे में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, और किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे, ये कन्वर्जन ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट इतना कन्वर्जन ध्यान रखता है, परसेंटेज के ऑलमोस्ट हर सवाल को वो बना लेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कभी भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान रखो। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी बट्टे में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको 100 से भाग करेंगे।
क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। और अगर कोई बट्टा है उसको परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे, आप 100 से गुना करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रूल हो गया जो हमें ध्यान रखना है। फिर से समझ लीजिए, परसेंटेज से बट्टे में जाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, अब बट्टे से परसेंटेज में आना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। बहुत शानदार, ठीक है। जैसे छोटी मोटी बातें हो गई, जैसे बात को ध्यान रखिए, अगर मुझे ये बताना है कि 10% जो है वो बट्टा में कितना है तो हम क्या करेंगे, 20% का बट्टा का मान कितना होगा बताओ, 25% का बट्टा का मान कितना होगा बताओ, ठीक है, 50% का बट्टा का मान कितना होगा बताओ। तो आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट परसेंटेज को बट्टे में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब परसेंटेज बट्टे में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, उदाहरण के तौर पे समझना मेरी बात को, अगर कल के दिन मैं 10% लिखता हूं ना और ये परसेंट का साइन लगाता हूं, तो ये परसेंट का साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखो मैंने 10 लिखा है तो 10 रहेगा, और ये परसेंटेज का साइन जैसे हटेगा यहां पर नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का साइन जैसे हटेगा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एक जीरो को काट देगा और ये बराबर होगा हमारे 1/10 के। तो आपका जो 10% था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका बट्टे में कन्वर्ट हो गया। 10% बट्टे में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो 100 को भाग करके। 10% बट्टे में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो 100 को भाग करके। क्लियर हो रहा है। उसी तरीके से अगर मुझे 20% को बट्टे में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस 20 को कितने से भाग लगाना पड़ेगा, मुझे इस 20 को 100 से भाग लगाना पड़ेगा, और 20 100 को कितनी बार में काटेगा, तो 5 बार में। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 20% का जो बट्टा मान होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। क्लियर है आपको, 20% का बट्टा मान कितना होता है, तो 1/5 होता है। ये तो चलो हमारे नॉर्मल नंबर हो गए, 10% 20% 30% जैसे कुछ नंबर हो गए इंटीजर, जैसे मान लीजिए 11% है, और 11% को बट्टे में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, बोलेंगे सर 11 है और परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा बट्टे में, 11/100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे 12.5% को कन्वर्ट करना हो, तो 12.5% को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 12.5 आएगा और परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा, डेसिमल हटेगा तो 0 आ जाएगा, 125 से ये 8 बार में कटेगा, तो आप बोलेंगे सर 12.5% कितने के बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 8 के बराबर, 1/8 के बराबर है। तो इस बात को आपने समझा बेहतरीन तरीके से कि जब हमें किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको 100 से भाग करते हैं। सबसे साधारण नियम, 100 से भाग करेंगे। अब हम इसका उल्टा देखते हैं, यदि कोई बट्टा है और उसको मुझे किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना, कोई भी बट्टा है और मुझे किस में प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो हम 100 से गुना करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि आपके परिवार में 3 लोग हैं, ठीक है, आप है, आपके मैडम है, और मान लीजिए कि आपका प्यारा सा नन्ना मुन्ना जो आने वाला फ्यूचर आपका, ठीक है, 2 copy है वो है, तो 3 लोगों में आपका अकेले का शेयर कितना है। समझ रहे हैं बात को, जैसे होता नहीं है कोई प्रॉपर्टी 3 लोगों में बांटी जाती है, 3 भाइयों में बांटी जाती है, तो उसमें 1 भाई का प्रॉपर्टी कितना होगा, ठीक है, पूछता है ना अपने आप से कि भाई मेरा प्रॉपर्टी कितना हिस्सा है। जैसे मान लो 4 लोग हैं और 4 लोगों में 1 आदमी का शेयर कितना हुआ, परसेंटेज में बताओ कि शेयर कितना हुआ। तो आप बट्टे को किस में कन्वर्ट करने वाले हो, परसेंटेज में, तो आप इसको कितने से गुना करोगे, 100 से गुना करोगे और परसेंट का साइन लगा दोगे। कितने से गुना करोगे, 100 से गुना करोगे और क्या करोगे, परसेंटेज का साइन लगा दोगे। तो 4 इसको कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25%, ठीक है। अगर आप इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/3, और 100/3 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 33.3%। इस बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि 20 लोगों में 1 व्यक्ति का हिस्सा कितना आएगा, तो 20 लोगों में 1 व्यक्ति का हिस्सा यानी 1/20 को, 1/20 को मुझे किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो 1/20 को प्रतिशत में बताने के लिए हम 100 से गुना करेंगे, 20 इसको 5 बार में काटेगा तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। यानी जब भी किसी बट्टे को मुझे प्रतिशत में बदलना होगा तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं उसको 100 के साथ गुना करके बदलूंगा। तो हमारे परीक्षा में कुछ ऐसे बट्टे हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, और उन बट्टों के ऊपर एक बार जो है हमें नजर दौड़ाना है, ताकि हमारा जो है
काफी आसान हो जाए चीजों को याद करके। देखो एक सामने आपके बड़ा प्यारा सा टेबल मैंने रखा हुआ है, इस टेबल को आपको एकदम अपने जद्दोजहन में उतार लेना है। अगर मैथ को स्ट्रांग करना है तो परसेंटेज को करना पड़ेगा, और अगर परसेंटेज को स्ट्रांग करना है तो ये टेबल को याद करना पड़ेगा। नो डाउट इसको कैसे याद करते हो, कमरे में कहीं पर लिख के चिपका के रख दो, ठीक है, आते जाते नजरें पड़ती रहनी चाहिए और ये बट्टा याद होता रहना चाहिए। आपका फ्रैक्शन कितना है तो 1/1, और उसको परसेंटेज में बदलना है तो कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, तो बोलोगे सर इसको 100 के साथ गुना करेंगे, तो 1/1 को 100 के साथ गुना करके क्या लगा दो परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 100%। 1/2 बोला है, 1/2 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करो, काटो यहां पे तो कितना आ गया 50%, ठीक है। 1/3 को 100 के साथ गुना करके क्या लगा दो परसेंटेज, तो 33 सही 1/3%। 1/4 को करना है 100 के साथ गुना करो तो 25%। 1/5 को 100 के साथ गुना करो तो 20%, ठीक है। तो 1/1 से लेकर 1/5 तक यहां पर है। फिर देखिए 1/6 से, 1/6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह सवाल, 1/6 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 16 सही 2/3, और बहुत बार आपकी परीक्षा में 16 सही 2/3 ना देकर आपको 16.66 भी देता है, दशमलव मान भी देता है, तो आपको इसका दशमलव मान भी भाई ध्यान रखना है, ठीक है, दशमलव मान भी जो है वो ध्यान रखना है। आपको इसकी पीडीएफ आराम से तसल्ली के बाद टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी, ठीक है, जो मैथ्स का टेलीग्राम, मैथ्स बाय आदित्य रंजन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप आराम से तसल्ली से वहां से डाउनलोड कर लेंगे। जितने भी सीरीज चल रही होगी, जितने भी पीडीएफ होंगे, वो सभी के सभी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 1/7 को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 को बदलना हो तो 12.5%। अब ये 12.5% को बहुत बार आपको डेसिमल में भी दे देगा 12.5, तो आपको ध्यान रखना है कि 12.5 कितना हो गया, 12.5 जो है वो 1/8 है। 1/9 का मान है 11 सही 1/9। 1/10 का मान 10%। 1/11 कितना, तो 9 सही 1/11, याद कर लो, एकदम भूलना नहीं है, 1/11 9 सही 1/11। 1/12 8 सही 1/3 कैसे आया, 1/12 8 सही 1/3 कैसे आया, तो इसको हमने 100 के साथ गुना किया, 100 के साथ गुना किया तो 4 सही 3 बार में कटा, 4 सही 25 बार में कटा, ये बराबर आ गई वैल्यू हमारे 25/3 के। 3 इसको कितनी बार में काटेगा, 3 इसको 8 बार में काटेगा, 24 हो जाएगा, शेषफल 1 बचेगा और बट्टे में 3 आएगा, तो इस हिसाब से हमारा 1/12 कितना आ गया 8 सही 1/3% आ गया, क्लियर है। 1/13 कितना आ गया, तो 7 सही 9/13% आ गया। 1/14 को फिर 100 से गुना करोगे 7 सही 1/7, एकदम फेवरेट होता है एग्जामिनर का ये वाला बट्टा, तो इस बात को ध्यान रखना। 1/15 6 सही 2/3। अब आप पूछोगे कि सर ये टेबल याद करना है तो कहां तक करना है, तो 1/1 से लेकर 1/20 तक आपको ये याद करना है, 1/1 1/2 1/3 1/4 इस तरीके से करके 1/20 तक आपको ध्यान रखना है। 1/16 का मान 6 सही 1/4, जिसका दशमलव मान जो होता है वो होता है 6.25%, ठीक है, सारा का सारा खेल प्रतिशत का यहीं से स्टार्ट होता है। 1/17 5 सही 15/17, 1/18 5 सही 5/9, 1/19 5 सही 5/19, और 1/20 5%। इसके अलावा छोटे मोटे प्रतिशत और पूछे जाते हैं जिनको आप तभी ही गुना करके बता सकते हो, जैसे मान लो 1/25 पूछ गया, तो 1/25 अगर आपसे पूछता है कि 1/25 प्रतिशत में कितना है, तो आप उसको क्या करो 100 के साथ गुना कर दो और परसेंट का साइन लगा दो, काटोगे तो कितना आएगा 4% आएगा, ये आप तुरंत बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला स्टेप जो है वो क्या है, पहला स्टेप ये है कि बट्टे से प्रतिशत और प्रतिशत से बट्टा, ये हमें ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1 जो होता है वो हमारा परसेंटेज का कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे, तो वो देखो स्टेप नंबर 2 में कुछ ऐसे बट्टे होते हैं, देखो अल्टीमेट जो कन्वर्जन होता है ना वो फ्रैक्शन से परसेंटेज यानी बट्टे से प्रतिशत का होता है। तो अब कुछ ऐसे बट्टे हमें पढ़ने हैं जिनको हम बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो, जैसे मानो यहां पर मैंने कहा आपको 6/5, अब ये 6/5 जो है ये प्रतिशत में कितना है, 7/6 ये प्रतिशत में कितना है, ठीक है, 9/8 ये हमारा प्रतिशत में कितना है बताओ, ठीक है। तो हमें जो है कुछ ऐसे दो तरह के बट्टे पढ़ने होते हैं, और दोनों तरह के बट्टे मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। फ्रैक्शन आपके दो तरह के होंगे, ठीक है, एक फ्रैक्शन ऐसा होगा जो अपने न्यूमरेटर से 1 बड़ा होगा, देखो मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला वाला वो फ्रैक्शन होता है, जैसे मानो यहां पर मैंने कहा 9/8,
यानी इससे कितना ज्यादा है, तो इससे एक ज्यादा है। जरूरी नहीं है एक ज्यादा रहे, इसके पहाड़े से भी एक ज्यादा हो सकता है। जैसे 8 का डबल, 8 का पहाड़ा कितना है 16, तो 16 से एक ज्यादा आपको 17/8 मिलेगा। 8 के पहाड़े में आता है 24, लेकिन 24 नहीं, 24 से एक ज्यादा मिलेगा, मतलब इतना मिलेगा। 8 के पहाड़े में आता है 32, लेकिन 32 नहीं, इतना मिलेगा। मतलब यहां पर अगर हम बात बोले तो न्यूमरेटर के पहाड़े से एक ज्यादा, ये आपको फ्रैक्शन का पहला नियम, पहला टाइप हो गया। इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर हमारा 2 हो गया यहां पर कि एक ऐसे बट्टे भी होते हैं जो इनके पहाड़े से एक कम होंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे आप ऐसे समझ लो 7/8, 8 के पहाड़े से एक कम, ठीक है। 15/8, 8 के दोगुना से एक कम, ठीक है। 23/8 क्या है, 8 के 3 गुने से एक कम है। तो ऐसे परसेंटेज को बिना मल्टीप्लाई किए हम सेकंडों में कैसे ऐसे बट्टे को हम परसेंटेज में बदले, पहला पार्ट। ऐसे परसेंटेज जिनको बिना मल्टीप्लाई किए या बिना एडिशन सब्सट्रैक्शन किए हम सेकंडों में कैसे परसेंटेज में बदलेंगे, ये दो बातें हमें सीखनी है। एक वो जो न्यूमरेटर जिसका अंश जो है वो हर से बड़ा है एक, और दूसरा वो जिसमें हमारे जो न्यूमरेटर है यानी अंश जो है वो इससे एक छोटा है। ये दो तरह के परसेंटेज सीख गए तो फिर उसके बाद काम खत्म है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो सबसे पहले बात करते हैं उन परसेंटेज की, जैसे मान लो सबसे पहले मैंने क्या कहा 9/8 की बात की, फिर उसके बाद 17/8 की हमने बात की कि इसके दोगुने से एक ज्यादा, फिर उसके बाद हमने क्या बात किया। तो सबसे पहले 9/8 को देखिए, आप 9/8 को कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 9/8 जो होता है वो होता है 1 में 1/8 ज्यादा। 1 में 1/8 क्या होता है, ज्यादा होता है। 1 में कितना ज्यादा मेरे भाई, 1 में 1/8 ज्यादा, ठीक है। आप भाग करो 8 एकम 8, आपको ऐसे लिख सकते हो ना इसको 1 सही 1/8। और जिन बच्चों को नहीं पता है कि 1 सही 1/8 को कैसे लिखते हैं, तो याद रख लो 1 में 1 जमा 8। अगर कल के दिन आपको कहीं लिखा मिले कि 4 सही 5/7 कितना होता है, तो इसका मतलब होता है 4 में 5/7 को हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी 1 में 1/8। अब मुझे खुद एक बात बताओ, अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो ये परसेंटेज में कितना होगा, तो 100%। अगर मैं 2 बोलूं तो 2 परसेंटेज में कितना होता है, तो 200 होता है। अगर हम 3 की बात करें कि 3 परसेंटेज में कितना होता है, तो 300 होता है। ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर जैसे कि 9/8 है, तो 9/8 को हम 1+1/8 लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। 1 के लिए परसेंटेज का मान कितना होता है, तो 100%, और 1/8 के लिए परसेंटेज का मान कितना होता है, तो 12.5%। तो हम सीधा का सीधा क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो 9/8 है ना, ये 112.5% की मान है। ये कितने परसेंट की मान है, तो 112.5% की मान है। क्लियर हुआ आपको, 9/8 कितने का मान है, तो 112.5% की मान है। अब मुझे दूसरा संख्या देखने दो, 8 के दोगुने से एक ज्यादा, यानी 17/8। 8 के दोगुने से एक ज्यादा, मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर ये 8 के दोगुने से एक ज्यादा है, यानी 2+1/8 है, 2+1/8। क्लियर हो रहा है, 2 का मान कितना होगा, तो 1 का मान 100%, तो 2 का मान 200%, और 1/8 का मान कितना होता है, 12.5%। तो आप बोलेंगे सर ये 212.5% का मान है। तो आपने देखा कि आपने इतनी बड़ी संख्या को सीधा कैसे का कैसे लिख दिया, सीधा परसेंटेज में आपने सेकंडों में लिख दिया। ये नियम कब लगाते हैं, ये नियम हम तब लगाते हैं जब इसके 2 गुने 3 गुने 4 गुने से एक ज्यादा हो। उदाहरण के तौर पर एक बड़ी संख्या ले लो, 65/8 ले लो, आपकी 65/8 है और उसको मुझे बट्टे में बदलना है। तो आप मुझे खुद बताओ ये 8 के कितने गुने से ज्यादा है, तो 8 का 8 गुना 64 होता है, और +1/8, 8 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, तो 8 का मतलब 800% हो गया, और 1/8 का मतलब कितना हो गया, 12.5%। तो इसको हम बोलेंगे ये 812.5% का मान है, 812.5% का मान है। क्लियर है, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा जल्दी से मुझे बताइए कि अगर यहां पर आपका एग्जामिनर 41/8 देता है, 41/8, तो 41/8 कितना परसेंट का मान होगा, बताइए जल्दी से। 41/8 है अगर, तो 41/8 कितने परसेंट का मान होगा, ठीक है। बिना 100 से गुना किए, बिना 100 से गुना किए आप सेकंडों में बना सकते हैं, बिना 100 से गुना किए सीधा 412.5%, ठीक है, सीधा 412.5%। क्लियर है, क्योंकि 4 जो है, देखो सॉरी 8 25 40 है ना, 512, ठीक है,
बहुत अच्छे, 512.5% सीधा। कैसे देंगे उत्तर? देखो 8 × 5 = 40 और प्लस कितना 1/8, आप समझ रहे हैं, 8 को 5 के साथ गुना करो तो 40 और 1 कितना 5 के लिए 500%, 1/8 के लिए 12.5, तो बोलोगे सर 512.5% जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 512.5%। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, लव यू भाई। ठीक है, तो ये पहला टाइप हमने कवर अप कर लिया जहां पर इसके जो मल्टीपल है वो एक एक ज्यादा हो। अब हमें दूसरा टाइप कवर करना है जहां पर इसका जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाला पार्ट है, इसके पहाड़े से एक कम हो, इसके पहाड़े से एक कम हो। ठीक है, अब हमें उस वाले पार्ट को कवर अप करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनर 7/8 लिखता है, आपका एग्जामिनर जो है वो 15/8 लिखता है, आपका एग्जामिनर 23/8 लिखता है, तो आप कैसे हल करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। तो जैसे मान लीजिए 7/8 लिखा है तो बोलेंगे सर इसके एक गुने से कितना कम है, 1/8 कम है, इसके एक गुने से कितना कम है मेरे भाई, तो 1/8 कम है। समझ रहे हो, 8 के एक गुने से 1/8 कम, ये कितना कम है, तो 8 के 2 गुने से 1/8 कम है, ये कितना कम है, तो 8 के 3 गुने से 1/8 कम है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, कि 8 के 3 गुने से एक कम है, 8 के 3 गुने से एक कम है। अब यहां पर 1 के लिए कितना परसेंट होता है, तो 1 के लिए 100% होता है, 1/8 के लिए कितना होता है, तो 12.5% होता है। 100 में 12.5 घटेगा तो कितना आएगा बता दो, तो बहुत शानदार, बोलोगे सर 100 में 12.5 घटा तो 87.5 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, 87.5 आ गया। 2 का मान कितना होता है, 200% होता है, और 200 में आप कितना घटाएंगे, 1/8 यानी 12.5 घटाएंगे, तो आपका उत्तर आएगा सर 187.5%। क्लियर हो गया। उसी तरीके से 3 का मान कितना होता है, 3 का मान 300 होता है, 1/8 का मतलब हो गया हमारा 12.5%, इसमें से घटाएंगे तो हमारा 287.5% जो आएगा वो हमारा करेक्ट उत्तर आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज से बट्टा और बट्टे से परसेंटेज, दोनों बातें ध्यान रही। किसी भी बट्टे को हम प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं, तो किसी भी बट्टे को प्रतिशत में हम 100 से गुना करके बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें हो गई, जैसे मान लो कि कुछ बट्टे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कुछ परसेंटेज ऐसे हो गए जो हमारे 100 से ज्यादा के मान रखते हैं। ठीक है, या कुछ बट्टे ऐसे हो गए जो रैंडम हो गए, जो ना एक ज्यादा है ना एक कम है, जैसे रैंडम हो गए। जैसे मानो हमने कहा 4/7 का मान कितना होगा ये बता दो, 5/8 का मान कितना होगा, अब ना इसके एक गुने से एक ज्यादा है ना एक गुने से एक कम है, तो कैसे करोगे, तो इसको कैसे करोगे, सिंपल। कोई भी परसेंटेज हो तो ऐसा नहीं करना कि हर बार उसको 100 से गुना करना है, बिल्कुल नहीं, आपको उसका बट्टा मान ध्यान होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात हम आपको बोलते हैं, मान लीजिए कि हमें 1/8 का मान है, तो 1/8 का मान कितना होता है माय डियर, तो बोलेंगे सर 12.5% होता है, कितना होता है 12.5%। अगर मुझे 2/8 का मान पता करना है तो ये 1/8 का कितना गुना है, तो 1/8 का 2 गुना है, तो इसका परसेंटेज भी कितना गुना होगा, 2 गुना, 12.5 का 2 गुना होता है 25%, तो इसका आंसर कितना आएगा 25%। कल के दिन मानो मुझे 3/8 बताना है, तो 1/8 का ये 3 गुना है, तो 12.5 का 3 गुना कितना होगा, 12.5 का 3 गुना 37.5% होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कल के दिन मुझे 4/8 बताना है, तो आप बताओ 1/8 का ये कितना गुना है, 4 गुना, तो 12.5 का 4 गुना कितना होता है, 50% होता है, तो सीधा 4/8 को आप कितना लिख देंगे, 50% लिख देंगे। ठीक है, इसका फायदा हमें कैसे मिलता है आप वो देखिए, जैसे मानो कल के दिन मुझे बोला गया है 1/7, तो 1/7 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं, तो 14 सही 2/7% लिखते हैं। बताइए अब 1/7 को 14 सही 2/7 लिखते हैं, तो 2/7 को कितना लिखेंगे, ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, तो यहां पर भी आपको कितना गुना करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। 2 गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, जब बट्टा आएगा तो बट्टे का 2 गुना कैसे करोगे, तो देखो 14 का 2 गुना करो तो कितना हो जाएगा, 28, 2 का 2 गुना करोगे तो हो जाएगा 4, नीचे आएगा 7, ये हो गया भाई 28 सही 4/7%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब देखो यहाँ मान लो कल के दिन 3/7 आता है, 3/7 का मान कैसे बताओगे, तो बोलोगे सर 1/7 का ये 3 गुना है, तो 14 का 3 गुना कितना हो गया, 42, 2 का 3 गुना कितना हो गया, 6,
नीचे वाले का तीन गुना नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो हो जाएगा 42 सही 6/7%। मान लो 4/7 करना है, यहां पर एक बच्चा फंस जाता है, 4/7 में वो बच्चा फंस जाता है, 4/7 में वो गलत उत्तर देता है, तो 4/7 में कैसे करेंगे वो देखो। ये 1/7 का 4 गुना है, तो 14 का 4 गुना कितना होता है 56, 2 का 4 गुना कितना होता है 8 होता है, और बट्टे में लगा देंगे 7। लेकिन एक बात को बस यहीं पर ध्यान रखना, कभी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले से बड़ा नहीं हो सकता है, अंश या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी हर से बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे, बड़ा नहीं हो सकता है तो हम इसमें भाग लगाएंगे, यानी 8 में हम कितने का भाग लगाएंगे, 8 में हम 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है, 8 में 7 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 सही 1/7 हो जाएगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, इसको कैसे तोड़ के अपन लिखते हैं, ठीक है। ये जो 56 सही 8/7 है ना, ये 56 सही 8/7 को आप 56 + 8/7 लिख सकते हो, इस बात का ध्यान रखो, 56 + 8/7 लिख सकते हो। 8/7 को आप क्या लिख सकते हो, तो 8/7 को 1 सही 1/7 यानी 1 + 1/7 लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 56 + 8/7, 8/7 में 1 + 1/7, 56 में 1 जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 57 सही 1/7%, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे ऊपर वाला संख्या इससे बड़ा हो जाएगा तो वो एक अपना इसको ट्रांसफर कर देगा। अब बोलोगे सर यहां से सीधा यहां कैसे पहुंचे, कोई शॉर्टकट बता दीजिए, तो बता देते हैं, एक काम करो 7 जो है इससे भाग लगाओ, तो कितनी बार में काटेगा, एक बार में, तो 56 को 1 दे दो तो 57 हो जाएगा। कितनी बार में काटेगा, एक बार में, तो वो 1 इसको दे दिया, और एक बार में काटने के बाद यहां कितना बचेगा, तो यहां 2 बचेगा, तो वो 2 सॉरी एक बार में काटने के बाद 1 बचेगा तो वो 1 लिख दो। जैसे मैं आपको समझाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। मान लो कल के दिन 56 सही 9/7 यहां लिखा मिले, ठीक है, या फिर आपको 73 सही 15/13 मिले आपको, ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसके न्यूमरेटर से ये बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें कितना, देखो 7 से भाग लगाओ, कितनी बार में काटेगा, एक बार में, वो 1 56 में जोड़ दो तो हो जाएगा 57। एक बार में भाग लगा दिया, अब 9 और 7 का यहां पर अंतर लिख दो, 2 आ गया, और यहां पर बट्टे में डाल दो 7 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे भी समझ लो, एक बार में भाग लगाने पे 2 बचेगा, वो 2 ऊपर लिख दिया और 7 आ गया, ये इतने परसेंट के बराबर है। उसी तरीके से यहां पर मेरी बात को समझिए, जैसे मान लो 15 है, 13 से भाग लगाए, कितनी बार में कटा, एक बार में, वो 1 इसको दे दिया तो हो गया 74, और 13 और 15 का अंतर कितने का है, 2 का है, 2/2 हो जाएगा 13। जैसे मान लो एक संख्या हो गई 41 सही 32/7 मान लो, और इसको मुझे लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, तो भाई मेरे खुद देखो, ये इसके 4 गुना, 7 32 को 7 से भाग करो, कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, 7 चौके 28, 4 बार में काटेगा, वो 4 41 को दे दो तो 4 41 को लेकर कितना बन जाएगा 45, और 4 बार में काटा है तो यहां शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो इसको लिखो 4/इतना, इसका करेक्ट फॉर्म जो है वो हमारा 45 सही 4/7 हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, ठीक है, भाग लगाया इसमें 4 बार में कटा, वो 4 इसको दे दिया 45 बन गया, और यहां 4/7 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी रैंडम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं, किसी भी रैंडम फ्रैक्शन को, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये बातें। तो एक बार जरा परसेंटेज के टेबल को आप गो थ्रू कर लेंगे, बीच बीच में कहीं पर भी हमें परसेंटेज को बदलने की आवश्यकता पड़ी तो उसके नियम मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए सवाल में 1/1 फिर से रिवाइज करो, देखो बिना मैं देखे 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%। मैं देख नहीं रहा पीछे की तरफ लेकिन फिर भी मुझे याद है, आपको भी इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 हर चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है एकदम, 1/20 तक तो आपके जुबान तक रटी होनी चाहिए ताकि आपका फायदा हो, ठीक है, नहीं तो आप सवाल को नहीं बना पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो जैसे कोई संख्या 100 से ऊपर बढ़ती है 100 से नीचे बढ़ती है, हर बात को धीरे 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 वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2-3 बातें और,
जो आपको जाननी है अपने पेपर के पहले। जैसे मान लो, चलो ये बातें मैं आपको क्वेश्चन के दौरान ही बनाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर किसी भी संख्या का, ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। जैसे मानो मुझे जो है 50 का, ठीक है, फाइंड 111% ऑफ 50। 50 का मुझे कितना पता करना है, या 500 का मुझे कितना परसेंट पता करना है, 111%। ये आपका सवाल है, ऐसा पूछा जाता है जनरली एग्जाम्स में, ठीक है, एसएससी में हो गया, रेलवे में हो गया, बैंकिंग में हो गया। मान लो छोटा सा क्वेश्चन है कि 111% बताना है कितना 500 का। अब 111% 500 को बताना है तो कैसे बताओगे? तो देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है हर बार परसेंटेज को ऐसे ही लिखा जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको सिंपल एक बात पूछूं, ठीक है, मैं आपसे सिंपल एक बात पूछना चाहता हूं कि 83.33% को आप कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे सर 83.33% को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 50% और प्लस 33.33% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50% का बट्टा कितना होता है, तो 1/2। 33 सही 33 का कितना होता है, 1/3। अगर आप इसको बट्टे में लिखना चाहे तो आप इसको 5/6 लिख सकते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कल के दिन 111% लिखना है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 100% प्लस 10% और प्लस 1%। इससे मैं आपको फायदा बताता हूं कि इसका फायदा क्या होगा और कैसे आप सवालों को बना पाएंगे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको इसका 111% बोला है, ठीक है, इसका 111% बोला है, तो आपने क्या किया, 111 को कैसे तोड़ा? आपने कहा कि देखो 111 को तोड़ो तो आ जाएगा 100%, ठीक है, प्लस 10% और प्लस कितना हो जाएगा, 1%, किसका, 500 का। इससे हमें दो तीन कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, दो तीन कंसेप्ट हैं जो क्लियर करवाने हैं मुझे इस पर्टिकुलर सवाल से, क्लियर हो जाएगा। किसी भी संख्या का 100% निकालना होता है, जैसे 500 का 100%, किसी भी संख्या का 100% वो खुद वो संख्या होती है, यानी 500 हो जाएगा, ठीक है। उस संख्या का 10% निकालना है, किसी भी संख्या का आज के बाद आपको 10% निकालना होगा, तो उसको 10 से भाग कर देना। 500 को 10 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। और किसी भी संख्या का 1% अगर निकालना होगा तो उसको 100 से भाग कर देना। 500 को 100 से भाग करो, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 500 प्लस 50 प्लस 5 यानी 555 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों आपको ये कंसेप्ट बताने की आवश्यकता पड़ी, अभी आपको पता चलेगा कि हमने क्यों ऐसे कंसेप्ट को देखा। जैसे एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, और वो आपका पेपर में क्वेश्चन था, फाइंड 11.1% ऑफ 468। अब यहां पर अगर ये कंसेप्ट किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो क्या करेगा, 11.1 को 468 के साथ गुना करेगा और अपने जीवन का तबाही करेगा। समझ रहे हो बात को, 11.1 को किसके साथ गुना करेगा, 468 के साथ। या मान लो 111 ही आ गया यहां पे कि 111% निकालना है किसका, 468 का। तो आपको पता है यहां पर अच्छे तरीके से आपने अभी सीखा कि सर 111% का मतलब क्या होता है, 100% जमा 10% और जमा 1%, और किसका निकालना है, तो 468 का निकालना है, ठीक है। किसी भी संख्या का 100% क्या होता है, तो वो खुद वो संख्या होती है, यानी 468, ठीक है। 10% निकालने के लिए संख्या को 10 से भाग कर देंगे, यानी 46.8 हो जाएगा। देखो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, यानी 46.1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। अब 1% निकालने के लिए इसको 100 से भाग कर देंगे, यानी 4.68 हो जाएगा। अब आप तीनों को जोड़ दीजिए तो 8, 8, 6, 14, 6, 4, 10, 8, 18, 19 हो गया, 6, 4, 10, 1 हो गया, 519.48 जो होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बात को कि 468 का 111 कैसे निकाला, तो 468 का 111 100 प्लस 10 प्लस 1% यानी हमारा 519.48 आ गया यहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पे, बताइए। चलिए अब जैसे मान लो, बहुत शानदार भाई, अब जैसे मान लो यहां पर एक क्वेश्चन है आपके पेपर का, ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए आप एक बार। जैसे मान लो आपको बोला गया है 176% ऑफ 111 आपको ये क्वेश्चन बताना है, बढ़िया लेवल का पेपर का पूछा गया, सीजल मेंस का क्वेश्चन है आपको, ठीक है, कहीं पर इस्तेमाल हुआ था तो वो ध्यान रखेंगे। 176.66% ऑफ किसका, 111, आपको 111 का इतना परसेंट बताना है। अब एक मेरे भाई इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ जो आपको सुनकर बड़ा मजा आएगा और सवाल बनाने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। एक बात को ध्यान रखो, जैसे मान लो मैंने कहा, ठीक है,
10% ऑफ 468 मैंने कहा निकालिए, तो आप बड़े आसानी से इस सवाल को बना लेंगे कि किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो उसको हम 10 से भाग कर दो, इसको 10 से भाग कर दो तो निकल जाएगा। लेकिन कल के दिन अगर आपका एग्जामिनर उल्टा पूछ दे और आपसे बोले 468% ऑफ कितना, 468% ऑफ 10, तो थोड़ा सा आप सोच में पड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनेगा, बट सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन इसका उत्तर अगर 46.8 है तो इसका भी उत्तर कितना होगा, 46.8 ही होगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, ये आया तो आया कैसे, ये आया तो आप लोगों को हमेशा एक रूल ध्यान रखना है कि ए परसेंट ऑफ बी बराबर होता है हमेशा बी परसेंट ऑफ ए के, ए परसेंट ऑफ बी बराबर होता है हमेशा किसके, बी परसेंट ऑफ ए के। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ए परसेंट ऑफ बी बराबर बी परसेंट ऑफ ए। जैसे मान लो आपका एग्जामिनर बोलता है कि मेरे भाई आप बता दो यहां पर 10%, ऐसे मान लो आपको बोल दे 11% बता दो किसका, 11% बता दो 87.5 का, या 11% ना बता के आप ऐसे कह लो 800% बता दो भाई, 800% बता दो किसका, 800% बता दो 87.5 का। अब आपको पता है कि भाई 800% 87.5 का निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करके ऐसे भी कह सकते हो 87.5% ऑफ किसका, 87.5% ऑफ 800, और 87.5 जो होता है वो कितना होता है, तो 87.5 का बट्टा 7/8 होता है, 7/8 बताना है किसका, 800 का, इससे काटोगे 100 बार में तो उत्तर कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, सेकंडों में बना लोगे। तो a परसेंट ऑफ b बराबर b परसेंट ऑफ a, यानी 800% ऑफ 87.5 जो होगा वो बराबर होगा 87.5% ऑफ 800 के, 87.5% ऑफ 800 के, 87.5 कितना होता है तो 7/8, 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 50, याद रखना है। तो 7/8 × 800 कितना उत्तर आ जाएगा, 700 आ जाएगा। क्लियर है, ये a परसेंट ऑफ b बराबर b परसेंट ऑफ a का कंसेप्ट बहुत प्यारा होता है, ध्यान रखेंगे तो बड़े बड़े सवाल आप बना पाएंगे। उसी तरीके से जैसे सवाल में हमारा यहां बोला गया, अब हम हर सवाल को थोड़ा देखते हैं, ये थोड़े अच्छे अच्छे सवाल हो गए। जैसे मान लो 64.28% बोला गया है किसका, 259 का, 259 का इतना परसेंट आपको निकालने को बोला है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कितना होगा। चलिए पहला वाला आंसर बताइए कि 64.28% कितना होगा, ठीक है, किसका, 259 का, 259 का बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर बताना है तो 64.28 को आप क्या बोलोगे, तो 64.28 को बोलोगे सर 64.28 मुझे ये 64 नहीं दिखता सर, मुझे तो ये कितना दिखता है, मुझे ये 50% और प्लस 14.28% दिखता है, 50 + 14.28 दिखता है, और किसका निकालना है, तो किसका निकालना है, तो 259 का निकालना है, मुझे ये वैल्यू इतनी दिखती है, मुझे जो है 64.28 कितना दिखता है, तो 50% और प्लस 14.28%। मैंने आपको क्यों कहा था कि आपको दशमलव तक की मान याद रखनी है, क्योंकि आपको बहुत फायदा कराएगा पेपर में। अब 50% किसी भी संख्या का 50% कितना होता है, तो 50% के जगह पे बोलोगे सर ये आधा होता है, 50% कितना होता है, आधा होता है, और 14.28 कितना होता है मेरे भाई, तो 14.28 जो होता है वो 1/7 का मान होता है। कैसे 1/7 का मान होता है, जरा टेबल पे आपको लेके चलते हैं तभी आपको जो है समझ में आएगा। देखिए 1/7 का मान 14 सही 2/7, जिसको दशमलव में 14.28% भी याद रखते हैं। सवाल को कब हल करेंगे आप, जब आपके माइंड में वो डेटा क्लियर होगा, जब आपको फ्रैक्शन से याद होंगे, नहीं तो आप सवाल के साथ खेलते रह जाएंगे और सवाल आपको खिला के चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे मानो इतना परसेंट का मान बताना है, ये परसेंटेज को मैंने दो पार्ट में तोड़ा, 50% का मान 1/2, 14.27 का मान 1/7। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, 7 + 7 = 2 = 2 यानी 9/14 कितना हो जाएगा, 9/14, और 9/14 मुझे किसका निकालना है, तो 259 का निकालना है, 9/14 किसका निकालना है, 259 का, 14 से आप काटो इसको एक बार में, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका 119। ठीक है, 1/7 है ना आपका, 1/2 + 1/7, तो आपका हो जाएगा 9/14, आप इसको काटेंगे 14 × 14 119, और 119 कितने से कटेगा, ये 119 कटेगा, ये बहुत अच्छे नहीं कटेगा ना, ये 119 बिल्कुल 119 कटेगा ये, ठीक है, 4 से 19 आएगा क्या, 64.28%। आप एक काम करो, अलग अलग वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो, आधा
और प्लस 1/7 किसका कैलकुलेट करना है, 259 का कैलकुलेट करना है। 259 के जगह पे अगर आप 260 रखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बट आप यहां पर देखो आधा इसका कितना होता है, 259 का आधा कितना होता है, तो 124.5। ठीक है, आप देखेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 129.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 129.5, और उसमें इसका 1/7 जोड़ना है। तो आप जरा गुना करो, 7 × 3 = 21 आ गया आपका, और 7 × 7 = 49 हो गया। आप इसको जोड़ोगे, 9 × 7 = 16, 3 × 2 = 5, 1 = 6, 166.5 जो होगा वो हमारा करेक्ट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे देख लो ना, यहाँ पे इसका आधा कितना हुआ तो 129.5, इसका 1/7 कितना हुआ तो 37, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 166.5। इसी तरीके से मुझे 343% बताना है, किसका 343% बताना है, 289 का। अब 343% 289 का बताना है तो कैसे हल करेंगे, तो किसी भी संख्या का 343% को देखो, आप क्या बोल सकते हो, इसको उल्टा बोल लो। इसको कैसे बोल लो, तो आप बोल लो कि सर 343% बताएंगे तो सही, लेकिन ये मुझे 289 नहीं दिखता है, मुझे ये सर कितना दिखता है, 300 में पहले 10 को घटाया और फिर 1 को घटाया, 300 में कितने को घटाया, 10 को। या आप इसको उल्टा भी कह सकते हो, a परसेंट ऑफ b बराबर b परसेंट ऑफ a, यानी आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 289% ऑफ कितना, 289% ऑफ 343, 289% ऑफ कितना, 343। अब ये 289 को कैसे लिख सकते हो, ये 300 से कितने की कमी है, 300 में 11 की कमी है, यानी आप 300 माइनस 10 और माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो बस आप 289 को ऐसे ही लिख दो कि सर ये जो 289 है वो कितना है, 300 माइनस 10 माइनस 1% ऑफ कितना, तो 343। गुना करने से अगर बचना है तो सिंपल तरीका है। ठीक है, अब बताओ 300% किसी भी संख्या का 100% वो खुद होता है, 200% उसका दोगुना होता है, और 300% यानी इसका तीन गुना, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, और 3 × 3 = 9, और 1 × 10 = 1029। इसका 300% कितना आया, 1029। किसी भी संख्या का 10% क्या होता है, उसमें 10 से भाग लगा दो, यानी 34.3। और किसी भी संख्या का 1% कितना होता है, तो इसमें 100 से भाग लगा दो, यानी 3.43। इन दोनों को जोड़ो, 34 और 3 = 37। ठीक है, तो आपको 1029 में से कितना माइनस करना है, तो 34 और 3 = 37.73 आपको माइनस करना है। ठीक है, अब आप यहां पर माइनस कर लीजिए, यहां पर समझिए दशमलव के बाद दो स्थान है, 0 से 10 से 3 गया, तो 7, 9 से 7 गया, तो 2 आ गया, 8 से 7 = 1 आ गया आपका। ठीक है, बिल्कुल 7 × 3 = 10, 7 × 2 = 1, 10 = 7, 1 = 8 और 1 = 9 हो जाएगा। 12 से 3 गया, तो आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 9। ठीक है, तो 991.2 कितना आ जाएगा, 991.27 आ जाएगा, 991.27 कितना आ जाएगा, 27। बहुत भाई साहब सुपर एकदम खुशी, और ज्वाइन एयरफोर्स श्रेया चौहान, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, कीप इट अप भाई। ठीक है, इसी तरीके से 218.5 किसका बताना है, 496 का। तो 496 आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 218.5% बताना है 496 का, इसको आप रिवर्स करिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 218 जो है, ठीक है, 218 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप 218 को लिख सकते हैं 200 + 18.5, 18.5 को 12 × 6.5 करके भी हल कर सकते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका इतना परसेंट कितना होता है, इसका इतना परसेंट कितना होता है। याद रखो, सवालों को सिर्फ हमें आसान 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 हल नहीं करना है, थोड़ा सा जो है हमें टफ लेवल तक भी जो है वो जाना है। ठीक, चलिए तो अब थोड़े से हम सवाल को करना शुरू करते हैं, थोड़े मोड़े सवाल जो हमारे पेपर में आए हैं, थोड़े आसान सवाल। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 2/3 जो है वो 1/3 का कितना परसेंट है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, आपके परीक्षा में चाहे आपका परसेंटेज पूछे, चाहे आपका रेशियो पूछे, चाहे आपका मान पूछे, कभी भी अगर ऑप्शन में आज के बाद परसेंटेज दिखता है, कभी भी आज के बाद परसेंटेज दिखता है मेरे भाई, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, दो वैल्यू को हमेशा कंपेयर करो, उनका अनुपात निकालो, और उनका अनुपात निकाल के सीधा सवाल को हल कर दो। जरूरी नहीं है यहां पर कि इसका पता करना कि ये कितना है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने कहा कि 10 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, 10 20 का कितना परसेंट है, सिंपल सी बात। तो 10 और 20 का आप क्या करिए, अनुपात निकालिए, 0 से 0 खत्म, यानी 1 जो है ये 1 2 का कितना परसेंट है, तो 1/2 × 100 हमारा आ गया 50%। इससे फायदा क्या होगा, कल के दिन में जैसे मान लो मैंने कह दिया 112.3 जो है, ठीक है,
336.9 का कितना परसेंट है। मैंने कहा ये वाली संख्या इसका कितना परसेंट है, ये वाली संख्या इसका कितना परसेंट है, ये मैंने पूछा। तो आप बस ये देखो यहाँ पे इसको काटो, कितनी बार में कटेगा, 1:3 में कटेगा। कितनी बार में, 3 बार में। तो बोला है 1:3 का कितना पार्ट है, और 1:3 का कितना पार्ट है बताने के लिए क्या करते हैं, उसको 100 से गुना करते हैं। तो बोलेंगे सर 33.33% होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमने क्या किया, सीधा वैल्यू नहीं निकाला, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा हमने कंपेयर किया और हमने सवाल को निकाल दिया। तो उसी तरीके से हमारा बोला गया है 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। तो 2/3 को यहां पर उठा के रखो और फिर 1/3 को उठा के रखो। 3 जो है वो 2 से कट गया कि नहीं, 3 और 3 काट देगा। तो 2 बताओ 1 का कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर 2 1 का कितना परसेंट है पता करने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल भाई 200% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को कभी भी किसी भी संख्या का अगर हमसे परसेंटेज पूछे तो। चलिए नेक्स्ट पूछता है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना है। अब देखो जो ये मैट्रिक सिस्टम होता है ना, मैट्रिक सिस्टम पे बढ़िया सवाल आपका एग्जामिनर आपको देता है। मैट्रिक सिस्टम अगर आपको ध्यान है तो परसेंटेज को हल कर पाएंगे कि कितना मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर और शेयर कर दीजिए अगर आपको क्लास में बहुत मजा आ रहा है, दिल खुश होकर पढ़ रहे हैं और मैं दिल खोल के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बस इस दिल खोल के पढ़ाने के लिए पूरा एक एनर्जी के साथ आप शेयर करते रहिए। पढ़ाने का काम मेरा है और शेयर करने का काम आपका है। ठीक है, आप हमारा केयर रखिए, हम आपका केयर रखते हैं, इस तरीके से इस कारवा को लेके आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जो है 600-700 प्लस लाइव पहुंचा दीजिए तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल में देखो 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है हमसे पूछा गया है। अब मेरे भाई देखो, कोई भी मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर है, कब बताओगे, जब आपको यह पता होगा कि भाई मैट्रिक सिस्टम है क्या। ठीक है, कितना मिलीमीटर कितना किलोमीटर में होता है। बचपन में तो जब मास्टर जी पढ़ा रहे थे तो नजर कहीं और होता था। ठीक है, नजर कहां होता था पता है ना। ठीक है, ब्लैकबोर्ड पे ना होके बगल वाली पे होता था, तो बस अब वहां पर ध्यान नहीं दिए तो अब आज यहां सीख लो, नौकरी नहीं रहेगी तो ठीक है तो कुछ होगा भी नहीं, समझ रहे हो। प्राइवेट बाबू बनने के चक्कर में लगे हुए हो, सरकारी बाबू बन जाओ तो प्राइवेट बाबू भी बन लेना, क्या दिक्कत है। अब मैट्रिक सिस्टम देखो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, मिलीमीटर, ठीक है, फिर आया सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर के बाद आया मीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, फिर आता है डेका, फिर हो गया आपका हेक्टो, और फिर हो गया आपका किलोमीटर। ये हमारा है मैट्रिक सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम ध्यान रखना है, और सिर्फ मैट्रिक सिस्टम में सीरीज नहीं ध्यान रखना, मैट्रिक सिस्टम का कन्वर्जन ध्यान रखना है, क्योंकि कल के दिन टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, कठिनाई वहां भी होगी। जब आपको मेंसुरेशन में मिलीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में बदलना होगा तो कठिनाई वहां भी होगी। तो परसेंटेज क्यों आपका बेस है, क्योंकि वो आपका बेस इस तरीके से बनाता है कि आपको हर चैप्टर में आवश्यकता पड़ती है, और अगर यहां पर ढीला सीला किया तो समझ लो कहानी खत्म है। ठीक है, तो मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, याद कर लो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ट्रिक भी बना के बहुत बच्चे याद करते हैं, ट्रिक भी बना के याद कर सकते हो। अब ये सीरीज में एक बार नीचे जाओगे तो क्या होगा, और सीरीज में ऊपर जाओगे तो क्या होगा। नीचे जाने का मतलब क्या हो गया, अपनी वैल्यू को कम करना, पैसे समझ लो। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे हर कदम पर कितने से भाग करोगे, तो 10 से भाग करोगे, भाग करोगे कितने से, 10 से, और यहां हर सीढ़ी चढ़ते जाओगे तो कितना से करोगे, 10 से गुना करोगे। इस बात को ध्यान रखना, समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो, मेरी बात को समझो। जैसे मान लो मुझे मिलीमीटर से किस में जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूं कि ऊपर की तरफ, आप बोलोगे सर आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हो, तो मैंने कहा कि बताओ 1 मिलीमीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। हमने आपसे यह पूछा 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। आप मिली से सेंटी में गए, नीचे सीढ़ी गए, और नीचे जाने पे क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1/10 को हम 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। मैंने कहा चलो पहले क्वेश्चन का तो आपने आंसर दे दिया, बहुत शानदार लाजवाब। अब बताओ मिलीमीटर को अगर डेसीमीटर में लिखना हो तो क्या होगा, 1 मिलीमीटर जो है वो कितने डेसीमीटर के बराबर है, कितने डेसीमीटर के बराबर। तो बोलोगे सर 1 सीढ़ी चढ़ गए और एक और सीढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़े हैं, कितना सीढ़ी चढ़े हैं, 2 सीढ़ी, तो इसको 2 बार 100
से भाग करेंगे, दो बार 10 से भाग करेंगे यानी 2 जीरो से। जितना बार नीचे आओगे उतने जीरो से भाग लगाओगे। 1/100 कितना होता है, तो 1/100 को बोलोगे सर ये 0.01 डेसीमीटर हो गया। क्लियर है कि नहीं है? उसी तरीके से अगर मिलीमीटर को सीधे डेकामीटर में बनाना होगा तो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी 4 बार चढ़े तो 10,000 से भाग करना होगा। क्लियर है? नीचे जाने का मतलब 10 से भाग करो, 1 बार 10 से भाग, 10 से भाग, 10 से भाग, 10 से भाग। अब मानो कि अगर किसी को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना है, उसको किलोमीटर को बताना है कि किलोमीटर जो है वो कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। मान लीजिए आपसे आपका एग्जामिनर पूछा कि 1 किलोमीटर में बताइए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, कितना मीटर होता है। तो मान लीजिए कि किलोमीटर से 1 सीढ़ी चढ़े यानी 10 से गुना, फिर एक और सीढ़ी चढ़े यानी 10 से गुना, और फिर एक और सीढ़ी चढ़े यानी 10 से गुना। कितनी बार 10 से गुना किया, 3 सीढ़ी के लिए 3 बार गुना किया यानी इंटू 1000 मीटर। आप कह सकते हो कि 1 किलोमीटर का मान कितना हो गया, 1000 मीटर। तो याद रखना है मेट्रिक सिस्टम को किसी को भी किसी में बदला जा सकता है। हो सकता है कल के दिन आपको मीटर में मिलीमीटर बोल दे, तो मीटर मिलीमीटर में कितना होगा, कितना मिलीमीटर होगा मुझे बताओ। ये बंदा नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मीटर से डेसीमीटर 10 का गुना, फिर 10 का गुना, फिर 10 का गुना, यानी बोलोगे सर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा आंसर। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से भाग करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10-10 से गुना करते जाएंगे। ध्यान रखना है इतना। क्लियर हो गया भाई? चलो तो अब देखते हैं सवाल में। बोला 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। देखो चाहे आपको मीटर किलोमीटर का परसेंटेज बोले या आपको ऐसा बोल दे कि 80 मिलीलीटर दूध कितना लीटर दूध के बराबर है, हम कभी भी किसी का परसेंटेज तब निकालते हैं जब वो समान मान में हो। ऐसा नहीं पूछा जा सकता है कि 5 मीटर पर सेकेंड 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार का कितना परसेंट है बता दो। मेरे भाई अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में होना पड़ेगा, तभी हम इसका परसेंटेज बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। एक जनाब मीटर में है, दूसरे जनाब किलोमीटर में है, कैसे परसेंटेज बता दोगे? परसेंटेज तब बताओगे जब दोनों मीटर में रहेंगे। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि 80 मीटर जो है वो कितना, किसका बोला गया है, 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का मान कितना होता है, 1 किलोमीटर का मान अगर देखोगे तो 1 किलोमीटर का मान 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर के जगह पे क्या लिखेंगे, 1000 मीटर लिख दिया, लिख दिया। अब मान लो कि ये वाला पार्ट इसका कितना परसेंट है बताने के लिए, किसी भी संख्या का परसेंट बताने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, तो 100 से उसको गुना करते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 8/5 कितना हो गया, 1.6% जो होगा वो हमारा आंसर होगा, 1.6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप डेली ऐसे ही पढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल डेली ऐसे क्लास चलेगी। रोज शाम सात बजे आपका फाउंडेशन मैथ बैच चलेगा, आपको रोज शाम 7 बजे लाइव रहना है रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका भी पता है कि मैं जो है आपको बहुत पुराने सवाल बिल्कुल नहीं करवाता, कि मैं 2018 के पहले के कभी किसी सवाल को हाथ भी लगाऊं, जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये नया भारत है और नया भारत में नया एजेंसी है, और नया एजेंसी नया सवाल पूछता है, पुराना सवाल बिल्कुल नहीं पूछता। ठीक है, तो हमें जो है जितने नए सवाल हो गए उन नए सवालों पर प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन का स्किल है वो बढ़िया से डेवलप हो। और पेपर में जैसे मैंने फोड़ा है हर पेपर में 50 50 50, 200 में 227, तो आप भी फोड़ पाओ। ठीक है, तो सवाल में बोला है कि 5 लीटर का 8% कितना होगा, आपका सीपीओ का एकदम फ्रेश सवाल है, बनाइए। ठीक है, और ऑप्शन जो है वो मिली लीटर में दिए गए हैं, तो पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना मिली लीटर होता है। सवाल को हल करेंगे, देखो 8% बोला गया है, किसका बोला गया है, 5 लीटर का बोला गया है। हर चीज का अपना अपना मान है, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। देखो 8 है तो 8 लिखो, और आपको बताया था परसेंटेज का साइन जब हटता है तो नीचे कितना आता है, 100 आता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना, 5 हो गया 5। लीटर के अंदर कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। पता होगा कि नहीं पता होगा, बिल्कुल पता होगा, दूध लाते हो रोज खरीद के, तो पता तो होगा ना कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो यहां पर जो है 1000 ml यहां पे बताएंगे। ठीक है, हमने 2 जीरो से 2 जीरो का स्वाहा कर दिया, 8 × 5 = 40, 40 को 10 के साथ गुना करो, कितना उत्तर आ जाएगा, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। ठीक है, तो एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे तो गलती हमें
कहीं भी नहीं होगी। चलिए तीसरा सवाल, बड़ा प्यारा सवाल हो गया, 2.4 को प्रतिशत में बदलिए। एकदम अपने आप में यूनिक क्वेश्चन, 2.4 को परसेंटेज में बदलना है। अब 2.4 को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा 10 को परसेंटेज में बदल दो, 10 को परसेंटेज में बदल दो। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इस बात को ध्यान रखो, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। जैसे मान लो 1/4 को परसेंटेज में बदलिए, तो 1/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगाते हैं। उसी तरीके से यहां पर 2/4 यानी 2.4 को कितने परसेंटेज में गुना करना है, इसको 100 के साथ गुना करेंगे और परसेंटेज लगाएंगे। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो को खा जाएगा, 240 परसेंटेज होगा, वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बच्चे इसमें कोई 100 से भाग कर देता है, बहुत बच्चा ऐसा होता है 100 से भाग करके हमारा ऑप्शन ए टिक कर देगा, बी टिक कर देगा, लेकिन ध्यान रखो किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। नोट बनाकर लिख लो कॉपी में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन प्यारा है, एमटीएस का क्वेश्चन है, हर तरह के सवाल को कवर करेंगे भाई, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, ताकि हर तरह के बच्चे का भला हो, और जिस सवाल में कोई टैग नहीं लगा होगा समझना वो बैंकिंग या रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल यहां पर देखो सवाल में क्या बोला गया, डिफरेंस पूछा गया 0.9 और 0.9% में, कि भाई इनके बीच अंतर है, और अगर है तो बता दो कितना है, ठीक है। तो यहां पर देखो 0.9 का मान कितना हो गया, सिंपल 0.9 रहा। अब मैंने मान लो कल के दिन कह दिया यहां पर 0.9%, ठीक है। अब यहां पर देखो इसको बदलने के लिए है ना, बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, जैसे मानो कल के दिन मैंने कह दिया कि मुझे एक को 10 के साथ भाग करना है, एक को मुझे 100 के साथ भाग करना है, एक को मुझे 1000 के साथ भाग करना है, तो इनका मान कितना होगा अपने आप में। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने कहा 53 को 10 के साथ भाग करो, ठीक है, 53 को 100 के साथ भाग करो, ठीक, और फिर उसके बाद 53 को 1000 के साथ भाग करो, तो ये सवाल। फिर इसके बाद हम एक और स्टेप देखेंगे कि फ्रैक्शन, ये बहुत मतलब बच्चा कंफ्यूज होता है, सामने से मैंने ऑफलाइन गुरुकुल में पढ़ाते हुए भी नोटिस किया है कि अगर मैं सीधा बोल दूं भाग करके लिख दो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ये सवाल लिखा हुआ है 63.5 और बोला गया है इसको 100 से भाग करने को, तो पहले वो दशमलव को उड़ाता है, नीचे 1000 लाता है, फिर भाग करता है, ऐसी गलती नहीं। हम सीखेंगे इसके शॉर्ट तरीके कि कैसे करते हैं, समझो। किसी भी संख्या को 10 से भाग करना है, अब देखो ऊपर कितनी संख्या है, ऊपर एक संख्या है और नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो, तो यूं समझ लो कि आपको तो दशमलव लगाना ही लगाना है। और दशमलव लगाने के बाद देखो जब भी ऊपर वाली अंक नीचे वाली से छोटी होगी, जब भी ऊपर वाली अंक नीचे वाले से छोटी होगी तो दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब दशमलव के बाद क्या आएगा, तो एक अंक है और एक जीरो है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, आप एक काम करो इसको 2/100 कर दो तो ज्यादा आसान होगा समझे, या 3/100 कर दो, 3/10 हो गया आपका, 3/100 हो गया, और 3/1000 हो गया, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। यहां पर देखो तो 3 जो है वो 10 से छोटा है, तो दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा दिया हमने। अब ऊपर एक अंक है और नीचे एक जीरो है, तो यू समझ लो इस जीरो के स्थान पे, या इस 3 के, इस जीरो के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 0.3 हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब यहां पर देखो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है, नीचे वाली से छोटी है, तो 0.0 लगा दिया। ऊपर कितनी संख्या है, एक, और नीचे कितनी संख्या है, नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो एक जीरो के लिए एज इट इज उठकर चलाएगा, और इस जीरो के स्थान पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3/1000 लिखना है, 3/1000 लिखना है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है कि नहीं है, तो बोलोगे हाँ सर छोटी है, तो बस बात खत्म, 0.0 लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये छोटी है, ठीक है। अब यहां देखो ऊपर एक संख्या है, नीचे 3 जीरो है, तो 2 जीरो उठाकर ऐसे पटक के लिख दो यहां पे, और इस जीरो के स्थान पर कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे, सीधा का सीधा उत्तर, ठीक है। 53.10, ऊपर वाली संख्या क्या है, नीचे वाली से बड़ी है, नीचे वाली से बड़ी है ना, किसी भी संख्या को 10 से भाग करना है तो लेफ्ट साइड से 1 दशमलव लगाइए, यानी 5.3, बात खत्म, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली बड़ी है, अब डायरेक्ट जीरो में भाग नहीं करेगा, ये बाएं से एक कदम छोड़ के अटैक करेगा, समझ रहे हो बात को। अब देखो 5300 से छोटा आ गया, तो क्या बोलोगे सर, 0.0 तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और यहां पर 2 जीरो के स्थान पर 2 अंक है, तो दोनों अंक को इसे एकदम छाप दो, बिल्कुल समझ रहे हो, ठीक है।
53/1000 लिखना है, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो जीरो और दशमलव लगा दिया, एक जीरो मुफ्त का आ गया और इस दो जीरो के स्थान पर ये 53 जगह ले लिया, तो इसका उत्तर इतना हो गया। ठीक है, अब यहीं पर जो है थोड़ा खेल आ जाता है। जैसे मानो कल के दिन मैंने कह दिया कि मुझे 63.5 को 10 से भाग करना है, 63.5 को 100 से भाग करना है, 63.5 को 1000 से भाग करना है। तो हर बार इस बात को ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि दशमलव उड़ा उड़ा के खेल खेलोगे, ऐसा मत करो। पेपर में सीधा ध्यान रखो, आप ऐसे समझ लो कि यहां पर देखो ये दशमलव है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये अब 10 जब अटैक करेगा ना तो दशमलव के बगल में अटैक करेगा, यानी 6.35 हो जाएगा। या आप ऐसे नहीं सोच सकते तो आप ऐसे समझ लो मेरे भाई, यहां पे आप ऐसे नहीं सोच सकते तो आप सिंपल ऐसे समझ लो कि देखो ये दशमलव तो है ही है, दशमलव का मतलब नीचे जीरो होना होता है, और एक जीरो और है मतलब दो जीरो आ गया, तो एक संख्या और दो संख्या छोड़ के यहां पर दशमलव लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को? अब यहां देखिए जीरो कितना है तो दो है, और यहां दशमलव के बाद अंक कितना है तो एक है, तो दो जमा एक तीन, तीन अंक हो गए ना, तो यहां पर एक दो और तीन यानी तीन अंकों के बाद हमें क्या करना है, दशमलव लगा देना है, बात खत्म। ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक है तो दशमलव के बाद एक अंक है, और जीरो कितना है तीन है, तो तीन और एक कितना हो गया चार हो गए, तो यहां पर हमें चार अंकों के बाद दशमलव लगाना है, एक अंक दो अंक तीन अंक, चौथा तो मिला नहीं, चौथा नहीं मिला ना, तो एक काम करो पहला पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक, चौथा कुछ मिला नहीं मिला तो क्या करो जीरो लगा दो। ठीक है, अब एक अंक दो अंक तीन अंक और तब यहां दशमलव लगा दो, इसका सीधा उत्तर कैसे लिख सकते हो, 0.635 लिख सकते हो यहां पे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमसे बोला गया है 0.9%। अब 0.9% का मतलब क्या हो गया, 0.9 को और परसेंटेज आता है नीचे तो कितने से डिवाइड करता है, 100 से। ठीक है, आप ऐसे समझो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और दो जीरो यहाँ है, मतलब कुल मिलाकर हमें दशमलव तीन अंकों के बाद लगाना है, लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट की तरफ तीन अंकों के बाद। ठीक है, मतलब ये जो है तीन अंकों के बाद, तो 9 एक अंक हो गया, दूसरा अंक जीरो, तीसरा अंक जीरो और यहाँ लगा दिया दशमलव, तो ये हो गया 0.009। यानी मुझे जो है 0.9 में और 0. देखो अब दशमलव को दशमलव के साथ जोड़ना होता है तो कैसे जोड़ते हैं, और दशमलव को दशमलव के साथ घटाना होता है तो कैसे। अगर 0.2 को मुझे जोड़ना है किसके साथ, 0.5 के साथ, तो दशमलव के नीचे दशमलव आता है ऐसे जोड़ेंगे, तो 2 और 5 0.7 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर घटाना है हमें, तो 0.9 में से कितना घटाना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव, 2 जीरो है तो 2 जीरो और पीछे 9 है और यहां 0। किसी संख्या के बाद अगर कुछ नहीं होता है दशमलव में तो समझ लो वहां पर 0 है, 900 में से 9 घटाना है तो 891 आ जाएगा, 0.891 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, बी फॉर बाहुबली। हर वो छोटी बात को मैंने यहां पर डिस्कस किया है कि जैसे मानो 1/10 हुआ तो क्या हुआ, 100 हुआ तो क्या हुआ। अगर आपका मैथ कैलकुलेशन में कमजोर है तो इस चीज को जो मैंने अभी बताया बार 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 रिवाइंड करके देखें, ताकि आपको बहुत फायदा हो और आप क्लैरिटी रख पाए अपने कंसेप्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपके सीपीओ में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस का जो पेपर हो गया जिससे भर्ती होती है उसमें पूछा गया है कि अगर 20% ए का बराबर है बी के, तो बी का 20% ऑफ 20 किसके बराबर होगा। ऐसे खूबसूरत खूबसूरत सवाल आते हैं, ठीक है, बस इनको ऐसे ही सजाना है जैसे ये पूछ रहा है। आप ऐसे समझ लो ना, ठीक है, कि जैसे शादी होती है सजते हो, कैसे सजते हो, जो आपकी डिमांड होती है, शादी की जो डिमांड होती है। ऐसा तो होता नहीं है कि मान लो शादी करने जा रहे हो और शहनाई या कोट के अलावा जो है लुंगी धोती पहन के चले गए, नहीं होता ना। तो जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि हमें ये चाहिए, उसी तरीके से आपको अपने ऑप्शन को अरेंज करना है, समझिएगा मेरी बात को। जैसे सवाल में बोला गया है 20% ऑफ ए बराबर है किसके, बी के, और सवाल में क्या बोला गया है 20% ऑफ 20, बी के बाद किसका गुना किया गया है, तो बी के बाद परसेंट लगाया गया है, तो मेरे भाई बी को परसेंट के साथ गुना कर दो। अगर बी को परसेंट के साथ गुना करोगे, देखो बी को परसेंट के साथ गुना किया गया है, तो बी को परसेंट के साथ अगर राइट साइड में गुना करोगे तो याद रखना कि लेफ्ट साइड में भी गुना करना है। इधर जो भी काम होगा वही काम इधर होगा, ठीक है। फिर ऑफ लगाया गया है और 20 लगाया गया है, तो अगर यहां पर ऑफ और 20 लगाते हो तो यहां पर भी ऑफ और क्या लगाना पड़ेगा, 20। या यूं अगर मैं बोलूं ना, अगर मैं आपको यूं बात बोलूं कि देखो इतना को सीधा का सीधा सरल भाषा में ऐसे समझ लो कि 20% के साथ गुना किया गया है, 20% के साथ गुना किया गया है, तो इतना झंझट रहेगा नहीं, ये ऑफ लगाना, ये गुना लगाना,
लगाना, ये इतना लगाना, सीधा बोलोगे कि भाई इसको 20% के साथ गुना कर दे और यहाँ पर भी 20% के साथ क्या कर दो, गुना कर दो। कितना गुना कर दो, 20% के साथ गुना कर दो, बात खत्म। ठीक है, यानी अब जो है हमसे इतना पूछ लिया गया उसका उत्तर हमारा इस फॉर्मेट में आएगा। क्लियर हो गया। एक परसेंटेज जब आप मान लो इसको तोड़ोगे तो नीचे आ जाएगा, ये परसेंटेज को तोड़ोगे नीचे आ जाएगा 100, यानी एक जीरो और एक जीरो जो है वो खत्म हो जाएगा, 2 × 2 = 4% ऑफ ए हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में मिला, वो कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर ए में मिला। इससे सस्ता और आसान तरीका हो नहीं सकता है, इस बात को ध्यान रखो। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे क्वेश्चन में ये दिया गया था और आपको बी का मान था, बी परसेंट ऑफ 20 पूछा था, मुझे पता है 20% के साथ इधर गुना करना है तो मैं 20% के साथ इधर भी गुना करूंगा। 1% दो जीरो को खा गया, यानी 1% का परसेंट आ गया, 2 × 2 = 4 आ गया उत्तर। अगला सवाल देखो, सेम तरीके से सीपीओ में पूछा गया है, सेम कंसेप्ट। मुझे लगता है अब हर स्टूडेंट जितने जो है देख रहे हैं वीडियो को, जिन्होंने वीडियो को लाइक भी किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और हर जगह शेयर भी किया है, वो इसका उत्तर दे पाएंगे। 49% of x बराबर y है, तो y परसेंट ऑफ 50 बताना है। अब मुझे बताओ 49% ऑफ क्या दिया गया है, x दिया गया है, कितने के बराबर, y के बराबर, और यहां पर कितना गुना किया गया, 50%। तो यहां पर अगर हम 50% के साथ गुना करेंगे, मेरे भाई बता दो जल्दी से, अगर यहां पर 50% के साथ गुना होगा तो इधर भी कितने के साथ गुना होगा, 50% के साथ गुना होगा। और 49 का 50%, 49 का आधा कितना होता है, किसी भी संख्या का 50% का मतलब उसका आधा, 49 का आधा कितना होगा, तो 24.5% ऑफ कितना बोला है, तो 24.5% ऑफ किसका, x जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50% को तोड़ो ना, तो 50% को तोड़ोगे तो बोलोगे सर आधा, और आधा किसका, तो 49 का आधा 24.5 होता है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, आगे बढ़ो। सवाल आपके लिए कठिन हो सकते हैं कब, जब आप सही तरीका नहीं लगाएंगे, लेकिन ये सवाल में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, CHSL का सेम तरीके से पूछा गया है, सेम पैटर्न पर पूछा गया, उत्तर दे सकते हैं कि अगर x परसेंट ऑफ y 150 है और y परसेंट ऑफ z जो है वो 300 है, तो बताओ x और z के बीच में रिलेशन क्या होगा, बताओ। इतना प्यारा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, बोला कि देखो x परसेंट ऑफ y जो है वो कितने के बराबर है, 150 के बराबर है। ठीक है, और y परसेंट ऑफ z, अब ये बनाओ y परसेंट ऑफ z जो है ये बनाना है, यही बनाना है आपको। y परसेंट ऑफ z कितना दिया गया, देखो y परसेंट ऑफ z कितना दिया गया है सवाल में, तो आपको 300 दिया गया है। बोला गया है x और z के बीच रिलेशन बताओ, x और z के बीच क्या बताओ, रिलेशन बताओ। अब यहां पर एक काम करो, इन दोनों को क्या कर दो, भाग कर दो, इसे एकदम बिल्कुल भाग कर दो, रिलेशन ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा। समझ रहे हो, भाग करने की जरूरत है और कुछ नहीं। ऑफ से ऑफ खत्म, वाई से वाई खत्म, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, यहां नीचे क्या बचा, तो एक्स बटे जेड, और यहां क्या बचा, 150 से 3 खत्म, 1/2, आपका आ गया 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। कुछ ऐसा रिलेशन है क्या, z बराबर 2x, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बताओ मजा आ रहा है, है? एकदम प्रीवियस ईयर को धाकड़ तरीके से बना रहे हो और लपेट रहे हो। चलो अब अगला सवाल देखो, कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं जहां पर हमें जो है कुछ अलग हटके कॉन्सेप्ट का लगाना पड़ता है। जैसे मानो सवाल में बोला है 75% किसका, 260 का, 30% किसका, 320 का। अब ये चूंकि सवाल आसान है तो यहां पर एक बच्चा बड़े सवाल को आसानी से बना लेगा, बहुत ही सिंपल वे में बना लेगा, सिंपल 75% निकालेगा, 30% निकालेगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये सवाल ऐसे ना होता, ठीक है, अगर ये सवाल को थोड़ा सा मैं कठिन बना देता तो सवाल कैसे होता। जैसे मानो अगर कल के दिन मैंने कह दिया यहां पर सिंपल सी बात को कि मानो मुझे 10% बताना है, किसका बताना है, 450 का, फिर उसके बाद जो है मुझे 11% बताना है, किसका, 468 का, और फिर उसके बाद जो है मुझे मान लो, ठीक है, 23% बताना है, किसका, 529 का, और तीनों को जोड़ दो, तो क्या अब इस सवाल को आप बना पाएंगे, जरा इस सवाल को देखिए। अगर आपका एग्जामिनर इतना क्वेश्चन पूछ दे तो क्या आप इस सवाल को बना पाएंगे, बताइए, बना सकते हैं इस सवाल को? ठीक है, आपको कैलकुलेट करने करने में ही जीवन बीत जाएगा। तो अगर ऐसे सवाल आएंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसका जैसे मान लो ऑप्शन आपके सामने दे दिया जाएगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे इस सवाल को समझो आप,
पहले इस सवाल पे सीखो, फिर उस पे अप्लाई करना। जैसे मानो 75% दे दिया 260 का, 30% दे दिया 320 का, तो कभी भी ऐसे सवालों को करिएगा आप डिजिटल सम से। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम का मतलब मेरे भाई बस इतना समझ लो, डिजिटल सम का मतलब सभी अंकों को आपस में जोड़ देना, सभी अंकों को आपस में जोड़ देना। जैसे मानो 19 है, 19 का डिजिटल सम कितना हो गया, तो इसको आपस में जोड़ो, 9 और 1 10, 10 का मतलब इसका डिजिटल सम 1 हो गया। मान लो मैंने 524 कहा है, 524 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 5 4 9 9 और 2 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 2 आएगा। तो बस हमारा डिजिट सम जो है वो जोड़कर बता देना है। एक और बात, जब भी किसी संख्या का आप डिजिटल सम लगाते हैं, जैसे मान लो बचपन में आपने पढ़ा था ना कि 11 को 12 के साथ गुणा करते हैं तो 132 आता है। यानी हमारा ये जो रिलेशन है ये डिजिटल सम से भी सेटिस्फाई हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे आप अपने बाएं साइड डिजिट का सम निकालो, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3 और 2 को गुणा करोगे तो डिजिट का सम कितना आ गया 6। अब एक बार जरा अपने ऑप्शन का भी देखो, आंसर का भी देखो, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, 6 = 6। डिजिट सम ऐसा कहता है, डिजिट सम सिर्फ एक ही बात आपको समझाता है कि मेरा जो लेफ्ट साइड का डिजिटल सम होगा वही मेरा राइट साइड का डिजिटल सम होगा, बस इतना बात ध्यान रखना। तो इस सवाल में आपको डिजिटल सम निकालना है किसका, एक बार ऑप्शन का, एक बार आंसर का, और आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शन का यहाँ का डिजिट सम कितना हो गया 4, यहाँ का डिजिट सम आपस में जोड़ो 8 और 1 = 9 खत्म हो जाएगा, डिजिट सम 2 आएगा, 7 और 2 = 9 खत्म 1 आएगा, 9 खत्म डिजिट सम कितना आएगा 3 आएगा। जोड़ते वक्त डिजिटल सम में 9 को नहीं लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर डिजिटल सम देखो, 7 और 5 = 12, 12 को आपस में जोड़ोगे तो 3 आएगा, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। प्लस का आ गया आपका प्लस, 3 का आ गया 3, यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 8 को 3 के साथ गुना करोगे 24, 24 को आपस में जोड़ोगे तो आएगा 6, 5 को 3 के साथ गुना करोगे 15 को आपस में जोड़ोगे आएगा 6, 6 और 6 को जोड़ो 12, 12 और 1 कितना हो गया 3। किसका आंसर 3 है, ऑप्शन में देखो किसका 3 है, ऑप्शन नंबर डी है ना, तो वहीं टिक होगा, बात खत्म, ऑप्शन नंबर डी। हमने कोई कैलकुलेट नहीं किया हमने यहां पर, क्योंकि भाई देखो अगर मान लो 75% था तो आसान था, आपका एग्जामिनर यहां पर 76% कर देता तब तो लग जाते ना, ठीक है, तब तो हालत खराब हो जाती हमारी। हमारा यहाँ 30% के जगह पर अगर वो मान लो 32.3% दे देता तब तो हालत खराब हो जाती वहां पे। तो पेपर में ऐसा हो सकता है कि आपको भिन्न भिन्न तरह के आपको परसेंटेज दे दिए जाएं, तो आपको डिजिटल सम ध्यान रखना है। जैसे इसी सवाल में मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज करता हूँ, 75% के जगह पे मान लो हमने कर दिया 77.3% ऑफ, किसका ऑफ, हमारा 260 का, और हमने 30% को बदल दिया 31.7% किसका, तो हमारा 320 का। अब कोई स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व करेगा जनरल में तो उसको बहुत समय लगने वाला है, लेकिन अगर वो डिजिटल सम लगाएगा तो बिल्कुल हीरो बन जाएगा। कैसे हीरो बनेगा, देखो बोलेगा सर 7 और 7 = 14, 14 और 3 = 17, 17 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 8, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 8। दशमलव परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, बेचारे ऐसे लवारिश हैं। 7 × 3 = 10, 10 और 1 = 11, 11 को आपस में जोड़ो तो 2 आ गया, 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 5 आ गया, 8 × 28 = 64, 64 को आपस में जोड़ोगे तो 1 आएगा, 5 × 2 = 10 यानी 1 आएगा, डिजिट सम कितना आ गया 2। अपना ऑप्शन देखना, ऑप्शन में जिसका भी डिजिट सम 2 होगा ना भाई वही करेक्ट आंसर होगा, 100% मैं आपको ये बता रहा हूँ, 100% समझ में आ रहा है मेरी बात को, इस तरीके से आप सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने दिया था, इस क्वेश्चन का आप डिजिट सम निकालते, आपके जो 4 प्यारे प्यारे ऑप्शन दिए गए थे उसका डिजिट सम आप निकालते, और जो अगर मान लो डिजिट सम 5 आता तो वही वाला ऑप्शन आपका आंसर होता जिसका डिजिट सम 5 होता। ना परसेंटेज का झंझट, ना दशमलव का झंझट, सबसे आपको मुक्ति है यहाँ पे, सबसे मुक्ति है। भयंकर भयंकर सवाल बैंकिंग में ऐसे ही तो बनते हैं, बैंकिंग में आपको पता है क्या दिया जाता है, 11.5% of 46.8 देखते चलो, और फिर उसमें बोलेगा 0.93% of 511, ठीक है, और 0.53 या 37 मान लो इतना, और सिर्फ दो ही परसेंटेज देगा, एक ये और एक ये, बोलेगा जोड़ के बताओ, और 5 गो ऑप्शन दिया रहता है ससुरा वहां पे, समझ रहे हो। अब 5 गो ऑप्शन में बेचारा कैसे बनाएगा वो, बेचारा बोलो बताओ, बोलेगा तो सर परसेंटेज का क्वेश्चन था, बना नहीं, अरे डिजिट सम लगाओ, इसका डिजिट सम लगाओ, इसका डिजिट सम लगाओ, जोड़ो और ऑप्शन के साथ मैच करो, आंसर आ गया, ठीक है।
डिजिट सम का मतलब बस जोड़ना है, जैसे यहां पर जोड़ना कैसे है वो देखो, 7, 5, 12। अरे डिजिट सम को बच्चा को भी बिठा के बताओगे ना, वो समझ जाएगा कि डिजिट सम का मतलब सबको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है देखो, 7, 5, 12, 1, 13 और 1, 14। फिर 14 को आपस में जोड़ो, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, तो इसका डिजिट सम 5। ऑफ का मतलब गुना, 6, 4, 10, 8, 18। 18 का मतलब हो गया 8 जमा 1, 9। फिर प्लस करो, 9 और 3, 12। 12 को आपस में जोड़ो, 3 आ गया। 5, 1, 6, 1, 7, 7, 3, 10, 10, 7, 17। 17 को आपस में जोड़ोगे तो 7 और 1, 8 हो जाएगा। 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर 9 आता है। 8 × 3, 24। 24 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 6। 9 और 6, 15। 15 को आपस में जोड़ो तो 6 आ जाएगा। आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 6 होगा। बात खत्म, क्लियर है? तो इस तरह के सभी सवालों को आपको ऐसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, CHSL का प्यारा सा क्वेश्चन। आपके सामने सारे नए क्वेश्चंस कंपाइल करवा दिए हैं ताकि परसेंटेज से आपके अंदर का डर खत्म हो जाए पूरा, ठीक है। बोला है A परसेंट ऑफ 240 बराबर है C परसेंट ऑफ A के, और वो बराबर है 117.6 के, तो A प्लस C का मान कितना होगा बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो सवाल में क्या बोला है, बोला है A परसेंट ऑफ कितना, A परसेंट ऑफ 240 बराबर है किसके, C परसेंट ऑफ आपको 117.6 के और C परसेंट ऑफ A के, C परसेंट ऑफ किसके, A के, और वो बराबर है आपको 117.6 के, तो आपसे A प्लस C का मान पूछा। तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अब कल के दिन मानो हमने यहां पर लिख दिया है कि A जो है वो बराबर है B के और वो बराबर है C के, तो इस बात का ध्यान रखो A B के भी बराबर है और A C के भी बराबर है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीन इक्वेशन आपस में बराबर होंगे, यानी A B के बराबर, A C के बराबर, तो उसी तरीके से यहां पर आपको पहले वाले को दूसरे वाले के साथ बराबरी करनी है। परसेंटेज ऑफ से परसेंटेज ऑफ खत्म हो जाएगा, ए से हमारा ए खत्म हो जाएगा, सीधा सी का मान कितना आ गया, सीधा सी का मान 240 आ गया। पहले और दूसरे वाले को हमने बराबर किया तो सी का मान कितना आ गया माय डियर, सी का मान 240 आ गया, ठीक है। अब हम काम करते हैं, अब जो है हमें यहां पर सी का तो मान मिल गया है, हमें किसका मान चाहिए, हमें ए का मान चाहिए। ए का मान कैसे निकालेंगे, तो ए का मान आप यहां से पहले और आखिरी वाले के साथ उपयोग करके निकाल सकते हैं, ठीक है, पहले और आखिरी वाले के साथ वैल्यू करके निकाल सकते हैं। अब एक काम करिए, आप पहले वाले को पकड़िए और आखिरी वाले को, पहले वाले को आपको बोला गया है सवाल में कि A परसेंट ऑफ किसका, तो A परसेंट ऑफ 240 बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 117.6 के, तो यहां पर A का जो मान आएगा 117.6 हो जाएगा, ये 240 नीचे बट्टा में चलाएगा, ये परसेंटेज नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज नीचे आने का मतलब क्या है कि ये ऊपर 100 के साथ गुना करेगा, दशमलव हटा दोगे तो एक और जीरो आ जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 24 से काटोगे यहाँ पे 117.6 है, इस बात का ध्यान रखना, 24 से काटोगे तो 24 का 5 गुना 120, 24 चौके 96 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 17, 4, 21, 216, 216 कितनी बार में कटेगा, 9 चौके 36, ठीक है, 9 बार में कटेगा, A का मान कितना आएगा, A का मान 49 आ जाएगा। देखो सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका A का मान कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है, A का मान 49, C का मान 240, जोड़ दीजिए यहाँ पे तो 289 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़ेंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर यहाँ नहीं है, हम जो है 289 को करेक्ट आंसर देंगे, आप करेक्ट कर लीजिए ऑप्शन नंबर A को, ऑप्शन नंबर A जो है इसका कितना है 289 है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर A जो है वो कितना है 289 है, और 289 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है, समझ गए मेरी बात को, पहले और दूसरे को किया परसेंटेज ऑफ से परसेंटेज ऑफ खत्म, A से A खत्म, सीधा C का मान 240 आ गया, पहले और आखिरी वाले को बराबर किया तो A परसेंट ऑफ 240 बराबर इतना, आप जो है यहाँ पर सीधा कट्टम कुटाई खेल लो ना, दशमलव को उड़ाओगे तो यहाँ पर नीचे कितना आएगा, देखो सीधा काट लो, क्या दिक्कत है इसमें, इसको काटोगे 10 आएगा, 24 से आप इसको काटोगे, ठीक है, 24 से काटोगे तो 4 बार में और 9 बार में 49 बार में कटेगा, ठीक है, और यहाँ पर 49 आ गया, दशमलव का कटेगा 100, आपका सीधा वैल्यू कितना दे देगा, 49 दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की वैरायटी, प्यारा सा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का, मतलब पहली ही क्लास में आपको मेंस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं, तो सोचिए कि आप लोग कितना परसेंटेज को अच्छे तरीके से कवर अप कर पाएंगे। सवाल में बोला गया है कि आप किसी भी संख्या के 15, सवाल में बोला गया है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि वो 20% हो जाए किसके, 360 के,
ठीक है, 180 का 15%। देखो किसी भी संख्या का 15% निकालना है तो उसका 10% निकाल दो और उस 10% का आधा निकाल दो। जैसे मानो 180 का कितना निकालना है तो 15% निकालना है। किसका निकालना है? 180 का। खुद सोचो ये 15% कैसे बना है, तो 10% और 5 से बना है। किसी भी संख्या का 10% कितना होता है? 180 का 10% यानी इसमें 10 से भाग कर देंगे तो 18। ठीक है, तो 10% का मान आ गया। फिर 5% और बताना है तो 10 का आधा कर दो यानी 9 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सीधा 180 का 15% कितना आ गया? तो 180 का 15% हमारा 27 आ गया। और बोला गया 27 में आप कितना जोड़ेंगे, मतलब x को जोड़ेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा? 360 के 20% के। 360 का 20% कितना होता है? 307 का 10%। किसी भी संख्या का 10% कैसे निकालते हो? तो इसको 10 से भाग कर दो यानी 36। अगर 10% 36 है तो 20% कितना होगा? तो 72 होगा। आपको यहां पर जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल देखो, इसके इकाई के स्थान पे 7 है, इसके इकाई के स्थान पे कितना होगा कि यहां 2 दे देगा, तो पक्का 7 में 5 जोड़ने पर 2 आता है। कौन से ऑप्शन में आपको इकाई के स्थान पे 5 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बात खत्म। बहुत बार होता नहीं है कि जल्दी जल्दी में हम गलती कर देते हैं, ठीक है, या हमारे पास समय नहीं होता, तो आप यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। मेंस का क्वेश्चन था सिंपल, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 2 आएगा, तो 5 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ये छोटी 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 बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 सितंबर 2019 मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका। सवाल में आपसे क्या बोला है? सवाल में बोला है यदि 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स। देखो डरना नहीं है, ये नहीं कि सर मेंस का सवाल है तो हम नहीं बनाएंगे। मेरे भाई आज नहीं बनाओगे ना तो कभी नहीं बनाओगे, ये बात को सोच लो। मेंस देना है कि नहीं देना है, इंस्पेक्टर बनना है कि नहीं बनना है, ये बताओ पहले। तो जब हम तुमको इंस्पेक्टर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं तो तुम काहे नहीं बन रहे हो, ये बताओ। कंधा पे जो चमचमाता सितारा है वो किसको नहीं पसंद है? हर किसी को पसंद है। तो पसंद है तो उस लेवल का मेहनत करेंगे ना। सवाल है तो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है, समझ रहे हो? तो मेंस का क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा इसको रगड़ दो, ठीक है। 25% जैसे जैसे बोला है, पहले तो यहां पे लिखो 25% बोला है, लिख दिया। ऑफ बोला है, लिख दिया। हाफ का मतलब होता है आधा, लिख दिया। फिर ऑफ बोला है, ऑफ लिख दिया। फिर एक्स बोला है, एक्स लिख दिया। इज का मतलब होता है बराबर, लिख दिया। इक्वल टू, इज इक्वल टू, 2.5 लिख दिया। टाइम्स का मतलब होता है गुना, टाइम्स का मतलब होता है गुना, लिख दिया। किसका गुना? तो 30% का गुना, ठीक है। फिर ऑफ लिखा है, फिर 1/4 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद किसका इस्तेमाल किया गया है? वाई का। इस तरीके से ये हमारे सवाल में हमसे पूछा गया है, मेंस का इतना क्वेश्चन है। और तब हमसे बोला गया है सवाल में कि बताओ एक्स जो है कितना परसेंट वाई से ज्यादा है या कम है, एक्स कितना परसेंट वाई से ज्यादा है या कम है, हमसे ये बोला गया है। मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर मान लो कि मुझे एक्स और वाई को बताना हो कि कौन किससे ज्यादा है या किससे कम है, तो हम उनका बस अनुपात निकाल लेंगे। जैसे मानो मैंने कहा ना मैं आपसे कितना ज्यादा हूं, तो मैं अपना और आपका अनुपात देख लूंगा, उस आधार पे मैं उत्तर दे सकता हूं। तो इस तरीके से ये सवाल आपको दे दिया गया है। और क्या बताना है आपको? रेशियो बताना है। प्यार प्यार से काटते चलो, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से कोई रिलेशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां का 1% इस परसेंटेज को खत्म कर देगा, ठीक है। चलो इसका दशमलव उड़ाओगे, यहाँ पे देखो 25 है, ठीक है, 25 है तो यहाँ पे काटो। 5 से कितनी बार में काटोगे? 5 बार में। 5 से कितनी बार में काटोगे? 6 बार में। इसका दशमलव उड़ाओगे तो तुम्हारा 10 आ जाएगा। 5 से 5 बार में कटेगा और 2 बार में कटेगा। 2 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा। फिर ये 5 तुम्हारा इस 5 को काट देगा, 2 तुम्हारा इस 2 को काट देगा, तो एक्स बटे वाई जो है वो कितना आ जाएगा? एक्स बटे वाई तुम्हारा 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से हल करने पे x बटे वाई 3/2 बोला गया है। x y से कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, आप बताओ। y जो है देखो, x कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। x तो 1 ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है? जिससे बोलता है बट्टे में उसी को लिखते हैं। 2 से बोला है तो 2 से लिखेंगे। तो 1 जो है वो 2 से कितना ज्यादा है? तो 1/2 × 100% काटेंगे तो आ जाएगा 50% क्या है? ज्यादा है। 50% आंसर है। हाँ भाई, फ्री बैच ही है, रोज शाम 7 बजे चलेगा। टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, इस तरीके से। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? बिल्कुल।
ठीक है, गुरुदेव भोजपुरी में बोलिए, क्या बोले भोजपुरी में आप ये तो बताइए हमको, ठीक है। तो आगे के सवाल जो है हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बढ़िया तरीके से, परसेंटेज के हर तरह के पार्ट को हम सीखेंगे और बढ़िया से बढ़िया भौकाल प्रश्न जो है वो लगाएंगे, ठीक है। सारे सवालों का जत्था हमने पूरा का पूरा प्रिपेयर करवा लिया है ताकि बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाए यूट्यूब पे और आप भी जो है अपने रिजल्ट का भौकाल मचाएं। समझ रहे हैं बात को? जो दो क्वेश्चन हमने दिए थे उसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, साथ में आपको ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। आज जो है मैथ स्पेशल बैच जो है रैंकर्स गुरुकुल आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर स्टार्ट हुआ है, तो बैच के बारे में भी दो बातें जान लेते हैं। ये बैच स्टार्ट हुआ है आज से 25 अक्टूबर से, एडवांस मैथ से ये बैच स्टार्ट हुआ है, मतलब ज्योमेट्री से हम स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट अरिथमेटिक कंप्लीट एडवांस का ये बैच है जिसमें प्री और मेंस आपको दोनों कराया जाएगा। बैच का नाम बिल्कुल आप लोगों ने जैसे प्यार मोहब्बत से रखा है वैसे ही है, शेरशाह मैथ स्पेशल बैच, ठीक है। आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी इस बैच में, जीरो टू हीरो लेवल होगा, सारे के सारे अपडेटेड शीट्स मिलेंगे, सारे के सारे अपडेटेड क्लास नोट्स मिलेंगे। फ्यूचर में भी अगर आपको मेरा कोई भी नया बैच ज्वाइन करना हो तो आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से मिलेगा इतना सब कुछ आपको। कितनी फीस में? तो 699 में, 699 रुपए में कंप्लीट मैथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। कहां पे? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं, कल से इसकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपको जो है मैथ इंग्लिश रीजनिंग का भी बैच है, ठीक है। स्लाइड कहाँ है मैथ इंग्लिश रीजनिंग का, ठीक है? स्लाइड कहाँ, वही फोटो कहाँ है, फोटो कहाँ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच जो है मैथ के अलावा जो है बाकी तीनों सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं। जो बच्चे बाकी तीनों सब्जेक्ट का चाह रहे हैं कि सर मैथ भी मिल जाए, इंग्लिश भी मिल जाए, रीजनिंग भी मिल जाए, तो उनका भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पर मिल जाएगा। स्लाइड मिल नहीं रहा है। कंप्लीट मैथ इंग्लिश और रीजनिंग की जो फीस है वो 1699 है, मैथ की, इंग्लिश की और रीजनिंग की, ठीक है। और अकेला अकेला मैथ की जो फीस है वो कितनी है? 700 रुपए है। कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप इन दो नंबर पे संपर्क करेंगे, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। जो हमारे पीडीएफ है वो हमारे दोनों टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगे, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम और ये मैथ्स का टेलीग्राम है, मैथ्स भाई आदित्य रंजन, दोनों पर आपको अपलोड हो जाएंगे। आराम से तसल्ली से डाउनलोड करो और बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी हो जाए जे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले ना तो कसम देना हम शुरू कर देंगे, जान लेना, उनकी कसम है, अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करके तब जाओगे, क्योंकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा बताओ? नहीं मिलेगा ना नोटिफिकेशन। तो पढ़ना है, इंस्पेक्टर बनना है, तो सब्सक्राइब करो, रोज शाम 7 बजे लाइव रहा करो, हम भी लाइव रहा करेंगे, और थोड़ा लोगों को शेयर करते रहा करो। साथ में अभी इंग्लिश की क्लास 8:30 से स्टार्ट होने वाली है, अनिल सर की सुपर सुपर क्लास, तो अभी सभी लाइव रहेंगे और इंग्लिश में एकदम भौकाल मचाएंगे अनिल सर के साथ, ठीक है भाई। तो भोजपुरी में बोल दीजिए, तो देखा भाई लोग, इन बात ऐसन बा कि वीडियो में शेयर करे में कहीं भी कमी ना रहे चाहिए। बिहार के लौंडा बा खड़ा बटे यूट्यूब पर, तो यू समझ ला कि पूरा भौकाल मचा दे होगा, ठीक बा, समझ ले लो लोग, तो बस शेयर लाइक ठोकत रह लो और हर जगह वीडियो का शेयर करत रह लो। और कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है पूरा का पूरा कमेंट बताएंगे कि आपको क्या इशू है, कोई दिक्कत है, कुछ नया चेंज ला सकते हैं हम यूट्यूब पर, तो मिलकर एक बढ़िया तरीके से रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है भाई। चलो, तो कमेंट में अपने सारे डाउट सारे क्वेरी बताना जरूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैंसिल करो, हैंड स्ट्रिंग नीचे से ओबीएस ओबीएस से भाई।